अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू राउंड ऑफ एनी नंबर। ठीक है, सो देयर आर सम रूल्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स स्टार्ट द रूल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट रूल हमारे साथ क्या है, ये मैंने आप लोगों के लिए शॉर्टकट लिखा है ताकि आपको समझने में और अंडरस्टैंड करने में, याद करने में आसानी हो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपके साथ ये है कि लास्ट डिजिट इफ लेस देन 5, अगर आपके साथ कोई सिग्निफिकेंट फिगर हो, कोई नंबर हो और उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 से छोटा हो, लेस देन 5 हो, तो उसके लिए क्या रूल है, मैंने यहाँ पर एरो बना के लिखा है इग्नोर। ठीक है, इग्नोर दैट नंबर। तो हमने फिर क्या करना है, हमने उस नंबर को इग्नोर कर देना है, यानी हमारे पास वो नंबर जिस सर यहाँ पर आपके साथ है वैल्यू 2.6573। अब ये 3 जो है दिस इज लेस देन 5, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम इग्नोर कर लेंगे और बाकी का नंबर उसी तरह रह जाएगा, यानी आपका राउंड ऑफ के बाद इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ 2.657। ठीक है, यहाँ पर ये 3 जो है इसे हमने इग्नोर कर लिया। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट रूल। रूल नंबर 2 आपके साथ क्या है कि इफ लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर अब आपके पास कोई सिग्निफिकेंट फिगर है और उसका लास्ट डिजिट जो है 5 से ग्रेटर है, फिर क्या होगा, लेट अस टेक दिस एग्जांपल 2.6578। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देख लें ये लास्ट डिजिट जो है ये 8 है, दिस इज ग्रेटर देन 5, तो इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए ये क्या लिखा है, एरो बना के इंक्रीज बाय 1। इसका मतलब ये है कि अब इस 8 के साथ वाला जो नंबर है वो हम इंक्रीज कर लेंगे 1 से। ठीक है, ये वाला नंबर जो है अगर ग्रेटर देन 5 है तो 7 वाला नंबर 1 के साथ प्लस होकर इंक्रीज हो जाएगा, ये जो है इसे 7 वाले नंबर के साथ 1 ऐड कर देगा, तो 2.6578 है। इसमें अगर हम लास्ट वाला डिजिट ग्रेटर देन 5 है तो इससे बन जाएगा 2.658। ठीक है, बिकॉज ये 7 के साथ हो गया है प्लस 1, तो इस रूल में मैंने लिखा है कि इंक्रीज बाय 1, और इस रूल में मैंने लिखा था कि ये वाला इग्नोर हो जाएगा और बाकी नंबर एज इट इज रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द थर्ड पॉइंट, व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5। हमने दो बातें पढ़ ली हैं कि अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 हो तो क्या होगा, 7 वाला वो नंबर इग्नोर हो जाएगा और बाकी नंबर इसी तरह रहेगा। दूसरे पॉइंट में हमने पढ़ा है कि अगर लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 है, फिर मैंने आप लोग के लिए क्या लिखा था, इंक्रीज बाय 1। अब ये थर्ड वाला क्या है, व्हेन द लास्ट डिजिट इज 5 देन व्हाट इज द कंडीशन, फिर क्या होगा। यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए एरो बनाई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशन है, एक इवन और एक ऑड। ठीक है, अब अगर लास्ट डिजिट के 7 वाला नंबर, यानी लास्ट डिजिट तो 5 है, उसके 7 वाला नंबर इवन हो तो फिर क्या होगा, और अगर लास्ट डिजिट के 7 वाला ऑड हो फिर क्या होगा। अगर यहाँ पर हम इस नंबर को देखें 2.6585, ये लास्ट डिजिट 5 है और इसके 7 वाला नंबर क्या है, इवन नंबर है 8, तो यहाँ पर मैंने लिखा है नॉट अफेक्टेड, मतलब ये है कि ये वाला नंबर एज इट इज रहेगा और इस पर कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा और जस्ट ये 5 को हम ड्रॉप कर लेंगे। ठीक है, यानी इससे आपके साथ आ जाएगा इस नंबर से 2.658। ठीक है, ये इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है लेकिन 7 वाला है इवन और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, नॉट अफेक्टेड। अब अगर लास्ट डिजिट 5 है और उसके 7 वाला नंबर ऑड है फिर क्या होगा, इंक्रीज बाय 1। फिर हमारे पास ये होगा कि अगर ये आपके साथ नंबर है, लास्ट 5 है और 7 वाला ऑड है, तो ये वाला नंबर 1 के साथ इंक्रीज हो जाएगा, यानी इससे बन जाएगा 2.658। ठीक है, ऑड होने की वजह से इसने इस ऑड वाले नंबर को इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज योर 3 रूल्स दैट हाउ टू राउंड ऑफ एनी नंबर।